स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना में दूसरे स्थान पर है और सरकार की राज्य भर में 540 नए दुकानें स्थापित करने की योजना है। यह योजना अच्छी तरह से काम कर रही है और अब तक 1052 दुकानें खोली जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया को राज्य में 500 नए दुकानें और सरकारी अस्पतालों में करीब 40 नए दुकानें खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। फरवरी 2022 से अब तक कर्नाटक में 300 नए दुकानें खोले गए हैं। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले काम पर रखे गए मजदूरों ने भाजपा नेता पर भुगतान न करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने चिक्कबलापुर पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि एक स्थानीय भाजपा नेता ने उन्हें कार्यक्रम के दौरान काम करने के लिए 500 रुपए का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन बाद में केवल 100 रुपए की पेशकश की। बेंगलुरु पुलिस ने एक कार के मालिक से रंगदारी वसूलने के लिए फर्जी एक्सीडेंट करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सिद्धपुरा में 26 अक्टूबर को हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज को डीसीपी साउथ पी कृष्णकांत ने शनिवार 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर साझा किया। विजुअल्स में बाइक को एक सफेद कार के करीब जाते हुए और जानबूझकर दाएं मुड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे कार बाइक से टकरा गई। इसके बाद बाइक रुक जाती है और दो लोग कार पर चिल्लाते हुए और ड्राइवर से वापस जाने के लिए कहते हुए दिखाई देते हैं ताकि समझौता हो सके। उन्होंने कथित तौर पर कार चालक से रुपए की मांग की और उस पर दोष मढ़ दिया। सीसीटीवी फुटेज को साझा करते हुए डीसीपी ने लिखा कि बाइक सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाइक के साथ जबरन 15,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरी मारन ने शनिवार 12 नवंबर को कहा, नए उद्घाटन कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 लगभग 1.5 से 2 महीने के समय में चालू हो जाएगा। वॉक थ्रू के दौरान शनिवार को टर्मिनल 2 के मारन ने मीडिया से बात की और बताया कि टर्मिनल के सार्वजनिक उपयोग के लिए चालू होने से पहले अभी भी कुछ प्रोटोकॉल को पूरा करना बाकी है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि एमबीबीएस की किताबों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करने की उसकी कोई योजना नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कहा, अभी तक विभाग को इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से कोई निर्देश या सलाह नहीं मिली है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि चिकित्सा पाठ्यक्रम विशाल है और दुनिया भर में बदलता रहता है और इसलिए पाठ्यक्रम का अध्ययन सार्वभौमिक रूप से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा में करना बेहतर है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नोट किया कि वर्तमान हिंदी अनुवादों में समस्याएं थीं और चिकित्सा शर्तों का मानकीकरण उनकी प्राथमिक चिंता थी। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री तनवीर सेठ ने शनिवार को कहा कि 18वीं सदी के तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान की 100 फीट की प्रतिमा या तो यहां या श्रीरंगपटना में स्थापित करने की योजना है। जहां कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने इस तरह के कदम का समर्थन किया है, वहीं राज्य के मंत्री और भाजपा नेता सी एन अश्वथ नारायण ने कहा कि कर्नाटक में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 19 नवंबर मैंगलोर में बावुटागुड्डे में केम्बडी रामया गौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिन्होंने 1837 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अमर सूलिया के विद्रोह का नेतृत्व 1857 के सिपाही विद्रोह से बहुत पहले किया था। विधायक ने शुक्रवार को एमसीसी हॉल में आयोजित तैयारी बैठक से इत्र कहा, मूर्ति की ऊंचाई करीब 22 फुट है, जिसमें 10 फुट का चबूतरा भी शामिल है। प्रतिमा को 40 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा था। एमसीसी ने 30 लाख रुपए का योगदान दिया है, जबकि शेष धन कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा दान किया गया था। मूर्ति की राजनीति जनता दल सेक्युलर ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कैंपेगौड़ा की मूर्ति के उद्घाटन के लिए दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को आमंत्रित नहीं करने का आरोप लगाया। जेडीएस ने इसे देवेगौड़ा का अपमान करार देते हुए दावा किया कि सरकार ने उद्घाटन को एक पार्टी कार्यक्रम में बदल दिया है।